हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज एक ऐसा चार्जर लेके आया हूं जो कि आपको पूरे पाकिस्तान मार्केट में जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि आज एक ऐसा चार्जर आया है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस चार्जर का सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर लेता है, इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है। अगर आपके पास ऐसी बैटरी है जो कि आपके पास कस्टमर की डेड आती है या आपके कस्टमर के पास रिपेयर होने आती है, आप एक जो है शॉपकीपर है तो आप किसी भी बैटरी को इसके साथ जो है रिपेयर भी कर सकते हैं, आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वो से लोग जो है बैटरी को लेकर जाकर टैंकर में चार्ज करवाते हैं, उससे अच्छा चार्ज कराने से अच्छा आप ये एक स्मार्ट चार्जर ले लें जिसके अंदर काफी सारे फंक्शन है। इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है जो कि आज मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके अंदर जो है 12 वोल्ट का ऑप्शन भी है, 24 वोल्ट का ऑप्शन भी है, ऑटो डिटेक्ट करता है बैटरी को, छोटी बैटरी है बड़ी बैटरी है सारे फंक्शन है। और उसके बाद आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे, उसके बाद मुकम्मल टेस्ट करेंगे आखिर कितने वोल्टेज तक जाता है, कितने एम्पीयर तक जाता है, रिवर्स प्रोटेक्शन है या नहीं, क्योंकि रिवर्स प्रोटेक्शन हर चार्जर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर घरों में लोग उल्टी तारे लगाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा चार्जर खराब हो जाता है। तो आज मुकम्मल होने वाले इसके अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वीडियो का कर देना लाइक, वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको इसका यूज करने का तरीका आ जाए। टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते अपनी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग और इसके बाद डिसअसेंबली। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका जी हमारे पास चाइना का जो है चार्जर, और ये चाइनीज ब्रांड का एक चार्जर है, बहुत से लोग जो है इसको मंगवा रहे हैं चाइना से। तो हमारे पास ये चार्जर काफी सारे आ चुके थे, मैंने सोचा इसको टेस्ट किया जाए, तो मैंने खुद इसको जो है फिजिकली टेस्ट किया, इसके ऊपर बैटरी चार्ज लगा के चेक की, मुख्तलिफ इसके ऑप्शन चेक की, तो मुझे ये चार्जर बहुत ही कमाल के लगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है। इसके अंदर एक तो आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी छोटी है 20 एम्पीयर, 30 एम्पीयर, 50 एम्पीयर या 200-250 एम्पीयर तक की वो भी चार्ज कर सकते हैं। स्पेशल इसके अंदर बटन दिया हुआ है, और उसके बाद बैटरी को रिपेयर करना है या आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन होगी है, आम चार्जर किसी चार्ज से चार्ज नहीं हो रही, तो ये चार्जर उसको रिपेयर करके उसको बूस्ट भी कर देगा। तो ये काफ़ी सारे इस तरह के फंक्शन है इसके अंदर, तो ये इसको टेस्ट करते हैं। उसके अंदर मुकम्मल एक डेडिकेटेड LCD लगी हुई है जिसके जरिए आप इसके ऊपर पूरा फंक्शन देखेंगे। तो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं किस तरह का है। तो मैं इसको करने लगा हूं जी अनबॉक्स, और देखते हैं जी आपको दिखाता हूं इस बॉक्स में किस तरह है, किस तरह का चार्जर है। तो आप में से अगर किसी भाई को ये चार्जर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का और उसके बाद जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से चाहे इसको बाय कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते ही आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा स्मार्ट चार्जर। इसको निकालते हैं बाहर और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये आ चुका है हमारा मुकम्मल स्मार्ट चार्जर। तो अब इसके अंदर जो मुकम्मल शापर वगैरह लगा हुआ सारा उतार लेते हैं, देखते हैं आखिर अंदर से किस तरह का हमारा चार्जर है, क्योंकि इसकी पैकिंग में लगता है पाकिस्तान में ही हो रही होगी या चाइना से पैक होकर आ रहा होगा। तो इसको निकालते ही ये आ चुका है जी मुकम्मल चार्जर, और यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके अंदर फंक्शन है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ कि एक्टिवेशन रिपेयर करना है या इंटेलिजेंट डिटेक्शन करनी है, इसके लिए स्पेशल बटन दिया गया है। बड़ी बैटरी को चार्ज करना है, स्मॉल बैटरी को चार्ज करना है, स्पेशल डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। पावर सप्लाई के लिए अलग बटन है, रिवर्स के लिए अलग बटन, अलग जो है LED लगी हुई है, यानी कि 4 LED हैं पावर सप्लाई की, रिवर्स की 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की। 24 वोल्ट की बैटरी लगी होगी तो ये LED चलेगी, 12 वोल्ट की बैटरी होगी तो ये LED चलेगी, रिवर्स उल्टी तारे लग जाएंगी तो ये जो है LED चलेगी, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमारी तारे उल्टी लगी हैं तो हम इसको सीधा कर लें। ऑन ऑफ के लिए स्पेशल ऑन ऑफ का एक बटन दिया है। तो काफ़ी सारे का फंक्शन है जिसके अंदर स्पीड सोलर एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी डिटेक्शन है, चार्ज प्रोटेक्शन है, उसके बाद स्टोव फिलिंग है, बैक कनेक्शन प्रोटेक्शन है जी, रिवर्स प्रोटेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिपेयर है इसके अंदर, चार्जिंग रिपेयर है, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन है, इंटेलिजेंट डिस्प्ले है और 4-स्टेज चार्जिंग इसके अंदर साइकिल है, और मुकम्मल एक डेडिकेटेड एक LCD लगी हुई है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। बैक साइड पे स्पेशल डेडिकेटेड फैन लगा हुआ है, और इसकी वायर्स को ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ कि वायर्स का क्या लेंथ वगैरह है। तो वायर को ओपन करते आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वायर है, उसकी 220 वोल्ट की भी काफ़ी लंबी वायर है, और उसके बाद बैटरी के लिए भी स्पेशल डेडिकेटेड क्रोकोडाइल क्लिप दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके साथ हम बैटरी अटैच करते हैं, इसको चार्जिंग वगैरह चेक करते हैं, और इसको मैं नहीं बताऊँगा कि मेरी बैटरी कौन सी है, हम इसे चेक करेंगे ऑटोमेटिक कौन सी बैटरी डिटेक्ट करता है। तो ये आ चुकी है जी मेरे पास स्पेशल AG एक्साइड कंपनी की बैटरी, हमने इसको टेस्ट करना है, तो इसकी 220 वोल्ट हम लगा लेंगे। तो चलिए जी अब मैं इसको अटैच करता हूँ अपने 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। इसको लगाते ही आप देख सकते हैं यहाँ से ये पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होते ही यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है चीज़ें दिख जाएंगी, जिसके अंदर आपके यहाँ पर LED डिस्प्ले मुकम्मल दिख जाएगा, जिसके अंदर वोल्टेज आपको दिख रहे हैं 13.8 वोल्ट, 00 एम्पीयर है, बैटरी कैपेसिटी शो हो रही है, उसके बाद इंटेलिजेंट रिपेयर के लिए स्पेशल बटन है, बिग बैटरी छोटी बैटरी के लिए बटन है, 12 वोल्ट की LED चल रही है, हालांकि 12 वोल्ट की भी बैटरी अटैच नहीं की, और पावर सप्लाई की LED चल रही है, ये ऑन ऑफ का मेन बटन है इसका। और मैं बैटरी को अटैच कर लेता हूँ, और यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देता हूँ, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करता हूँ। जैसे मैं अटैच करता हूँ आप देखते हैं सप्लाई की LED ग्लो होना स्टार्ट हो चुकी है, चार्जिंग शुरू हो चुकी है, एम्पीयर आना जो लग गए हैं 4.1 एम्पीयर ये देना स्टार्ट हो चुका है, और 13.2 पर हमारी बैटरी खड़ी है।
ये काफी अच्छी चीज है। और उसके बाद 12 वोल्ट की जो है एलईडी चल रही है, अगर 24 वोल्ट की लाए बैटरी लगाऊंगा तो 24 वोल्ट की चलेगी। हमारी बैटरी स्मॉल है तो ये 13 वोल्ट भी जाएगा, मैं बैटरी भी कर देता हूँ तो यहाँ पर एम्पीयर आप देख सकते हैं बढ़ जाते हैं और 6, 6.5 एम्पीयर, 7 एम्पीयर से हो गया है। और अगर मैं एक्टिवेशन रिपेयर भी कर देता हूँ तो एक्टिवेशन रिपेयर भी जाके आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज 15.16 वोल्ट पे चले जाते हैं और एम्पीयर 10 पे चले जाते हैं। इसके जरिए ये होता है कि आपकी बैटरी जो है रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी बैटरी को रिपेयर करने के लिए या किसी भी बैटरी को जो है दोबारा चार्ज करने के लिए अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है तो उसके लिए आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, तो क्योंकि उसको एक दफ़ा बैटरी को बूस्ट करना होता है। तो बूस्ट करने के लिए ये वाला चार्जर जो है बेहतरीन चार्जर है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से बैटरी के वोल्टेज भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एम्पीयर कम एम्पीयर की बैटरी, छोटी बैटरी, तो मैं इसको संभाल पर चार्ज करूँगा। तो अब बारी आ चुकी है इसके अंदर प्रोटेक्शन चेक करने की, रिवर्स पोलैरिटी वाली, कि आखिर वो काम की करती है कि नहीं। तो मुझे नहीं पता, मैं उल्टी तार लगाता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देता हूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा दूँ। ये देखो जैसे ही मैंने तार लगाई है वो बोलना स्टार्ट हो गया भाई, उल्टी तारें लगी हैं और बीप बजना शुरू हो गई। पहला ऐसा चार्जर है जिसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के अंदर बीप बजती है। वाह दोस्तों, बिल्कुल काम सही करती है। और एक बार दोबारा सेट करके लगाते हैं कि आखिर ये दोबारा चार्जिंग करता है या नहीं। दोबारा मैंने लगा दिया और दोबारा सही चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस चार्जर के जरिए आप मुख्तलिफ बैटरी चार्ज कर सकते हैं। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है ताकि गलती से आपका बच्चा अगर उल्टी तार भी लगा दे तो आपका चार्जर सड़ेगा नहीं, उल्टा बीप बच जाएगी। अगर आप दूर भी होंगे तो आपको बीप के जरिए आपको पता चल जाएगा किसी ने उल्टी तारें लगाई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी अब इसके कर लेते हैं एम्पीयर टेस्ट। यहाँ पर 4 एम्पीयर दे रहा है हमारा जो है चार्जर, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्यूरेट भाई 4 एम्पीयर के करीब आ रहे हैं, 4, 4.5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर के करीब आ रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि ये चार्जर जो एक्यूरेट चीज़ ही बता रहा है। अगर मैं इसको बिग बैटरी पर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पीयर हो जाते हैं मैक्सिमम जो है 1.5, क्योंकि बिग एम्पीयर पे एम्पीयर कम हो चुके हैं। और जैसे मैंने इसको एक्टिवेशन एम्पीयर पर डाला तो आप देख सकते हैं इसको एम्पीयर 7 एम्पीयर तक चले गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एम्पीयर इसके बढ़ जाते हैं और जो एक्यूरेट एम्पीयर ये बता रहा है सेम वैसे ही एम्पीयर हमें मिल रहे हैं। अब आ चुका मेरे पास पेज का था, बारे आ चुकी है इसको डिसअसेंबल करने की। एक बार डिसअसेंबल करके देखते हैं आखिर कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या लगाया हुआ, चाइनीज ने इसके अंदर क्या क्या जुगाड़ किया हुआ है, तो सारा चीज़ें चेक करते हैं। तो लीजिए जी, कर दिया मैंने इसको ओपन। और ओपन करते ही आप देख सकते हैं स्पेशल चाइनीज सर्किट लगा हुआ है, मुकम्मल LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। तो ये किट मुकम्मल लगी हुई है, साथ FATs वगैरह लगे हुए हैं और स्पेशल किट है। बस एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर जो है अच्छी चीज़ नहीं लगी, क्योंकि सर्किट की जो किट है वो थोड़ी छोटी है, थोड़ा बड़ा साइज़ होना चाहिए था। बाकी प्रोटेक्शन वगैरह कंपनी ने दी तो हुई है, वो सारी काम करती है, हमने चेक कर लिया। अभी बज़र लगा हुआ है और ये बज़र लगा हुआ है, स्पेशल LCD मॉड्यूल है, ऑन ऑफ के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बटन जो है अटैच किए गए हैं, एक्स्ट्रा बटन के लिए भी स्पेशल पोर्ट दी गई है, ऑन ऑफ के लिए भी ये मेन बटन है। और 2 जो है FATs हैं, एक बड़ा ब्रिज है और एक FAT यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है और चॉपर लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है डेडिकेटेड। तो सर्किट बस मैं इसी को यही कहूँगा कि 10 में से 8 नंबर मैं इसको दूंगा। बाकी अगर आपको मार्केट में से और अच्छा चार्जर नहीं मिलता तो ये चार्जर टॉप क्वालिटी में आपको अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चार्जर इसके अंदर जो फंक्शन है ना वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया, क्योंकि इतने फंक्शन में इतने पैसों में आपको चार्जर नहीं मिलता। बाकी इसकी लेटेस्ट प्राइस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से पता कर लेना, या हमारी वेबसाइट पर चले जाना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह की और नई नई वीडियो आती रहेंगी हमारे चार्जर्स के ऊपर, मुख्य चीज़ों के ऊपर। तो आपने जो है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत होती है आपके लिए वीडियो शूट करने में। तो आप एक लाइक कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।